गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर क्लास, वी वेर स्टडिंग अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन द एंटी मलेरियल कैटेगरी. नाउ वी विल टुडे स्टडी अबाउट अनदर एंटी मलेरियल ड्रग हुज नेम इज प्रोग्वानिल. सो इट इज अ बाइग्वानाइड डेरिवेटिव. सो वी विल स्टडी अबाउट प्रोग्वानिल. प्रोग्वानिल इज अ बाइग्वानाइड डेरिवेटिव. इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरग्वानाइड भी इसको बोलते हैं, या तो क्लोरोग्वानाइड भी इसको हम लोग बोलते हैं. एंड इट इज़ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया. और इसको हम लोग मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए या उसका इलाज ट्रीट करने के लिए हम लोग इस ड्रग को देते हैं, प्रोग्वानिल. इट इज़ बेसिकली प्रोग्वानिल हाइड्रोक्लोराइड. अगर इसका एक्टिव फॉर्म हम देखें, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है, वो हम उसको बोलते हैं, उसका सॉल्ट हम लोग लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्वानिल हाइड्रोक्लोराइड. तो बेसिकली हमारा ये, हम लोग स्टडी करेंगे प्रोग्वानिल हाइड्रोक्लोराइड के बारे में. और इसको हम लोग कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, इट इज़ टेकन बाई माउथ. इसको ओरली हम माउथ के द्वारा लेते हैं. इट इज़ ऑफन यूज टूगेदर विद क्लोरोक्वीन और एटोवाकोन. एक और ड्रग होती है, इसको हम उसके साथ भी कभी कभी लेते हैं, या तो क्लोरोक्वीन के साथ लेते हैं या तो एटोवाकोन के साथ लेते हैं. इसका केमिकल फार्मूला होता है C11H16ClN5. और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, बेंजीन रिंग टाइप की होती है और इसकी क्लोरो ग्रुप अटैच होता है दो मिथाइलीडीन ग्रुप अटैच्ड होता है इसमें. और इसका IUPAC नेम होगा हमारा 1-amino-4-chloroanilino-methylidine-2-propane-2-ilguanidine. इसका IUPAC नेम काफ़ी बड़ा है, लेकिन चूंकि आप हमने बताया था आपको पहले कि जो स्टार किए गए हैं उन्हीं का स्ट्रक्चर IUPAC नेम हमको पढ़ना है. सबका हमको IUPAC नेम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, तो आप देख लीजिएगा आपको किसका पढ़ना है किसका नहीं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं. प्रोग्वानिल हाइड्रोक्लोराइड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है. इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, इसका कोई गंध नहीं होती है. क्रिस्टल पाउडर होता है वाइट कलर का. इट इज़ स्लाइटली सॉल्वल इन वाटर. ये वाटर में स्लाइटली सॉल्वल होता है, घुलनशील होता है, और एल्कोहल में भी ये सॉल्वल होता है. इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्वल. ये इनसॉल्वल होता है क्लोरोफॉर्म में और ईथर में. और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 129 डिग्री सी. यानी कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो ये होगा 264 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो प्रोग्वानिल का अगर हम देखें तो ये कैसे एक्ट करता है, वर्क कैसे करता है ये हमारी बॉडी में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. व्हेन यूज्ड एलोन, अगर हम इसको किसी ड्रग के कॉम्बिनेशन में ना दें, अकेले दें, प्रोग्वानिल फंक्शन एज ए प्रो ड्रग की तरह ये काम करेगा. इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट. इसका ये जो ब्रेकडाउन होता है प्रोग्वानिल, हमारी बॉडी में जाके लीवर में इसका मेटाबोलाइट बनता है, ये पूरी तरह से ब्रेक होगा और ये एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोग्वानिल. क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोग्वानिल. यही लास्ट में हमारे पास बचता है. जब ये टूटता है प्रोग्वानिल, तो ये साइक्लोग्वानिल बनाता है. ये एक्टिव फॉर्म होता है, और यही एक्टिव फॉर्म ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. इसको ये इनहिबिट करता है, इसकी गतिविधि, इसकी एक्टिविटी को ये रोक देता है ये साइक्लोग्वानिल, ताकि ये एंजाइम फर्दर कोई प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन या कोई भी सिंथेसिस ना कर सके ये. तो इसीलिए मलेरिया पैरासाइट फिर उसकी साइकिल ग्रो नहीं कर पाती है, इनहिबिट कर देता है. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DHFR. तो ये इसको इनहिबिट करता है. इनहिबिशन ऑफ DHFR मतलब डाईहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज प्रिवेंट्स द पैरासाइट फ्रॉम रीसाइक्लिंग डाईहाइड्रोफ्लोरेट. तो ये जो हमारा मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, इसको रीसाइक्लिंग करने से रोकता है. डाईहाइड्रोफ्लोरेट से ये रीसाइकिल करता है. जब डाईहाइड्रोफ्लोरेट हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता. तो दस DHFR इनहिबिशन शट्स डाउन द प्रोसेस ऑफ जो DNA सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसको बंद कर देता है. अमीनो एसिड सिंथेसिस और मिथाइलेशन प्रोसेस को ये रोक देता है. तो पैरासाइट कोई भी अपनी साइकिल पूरी नहीं कर पाता है और हमको मलेरिया से बचाता है ये ड्रग. अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, केमिकल प्रॉपर्टीज शॉर्ट में देख लेते हैं. अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्वानिल हाइड्रोक्लोराइड लें, अगर उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड हम मिला दें, एक इसका फॉर्मूला होता है K4FeCN6.3H2, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो हमको एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है, जिसको हम लोग एसिडिफाई कर लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से. अगर उस प्रेसिपिटेट को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दें, तो हमको ये जो प्रेसिपिटेट हमारा बना है ये गायब हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हमारा डिजॉल्व हो जाएगा और हमको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा.
इफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ वार्म सोल्यूशन ऑफ सेट्रीमाइट, अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रियोनिन लें और इसको सेट्रीमाइट सोल्यूशन में डिजॉल्व करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन सोल्यूशन ऊपर से इसमें ऐड कर दें, तो हमको डीप रेड कलर का मिल जाएगा सोल्यूशन। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, शॉर्ट में इसको देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखना है हमें। और इसकी स्टेबिलिटी स्टोरेज देख लेते हैं, सिंस इट इज अफेक्टेड बाय लाइट, ये लाइट से इफेक्ट होता है, तो इट विल बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, मेडिकल यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग है तो इसको प्रिवेंट मलेरिया की केस में देंगे। इट इज ऑल्सो सप्रेसिव एंड एक्ट्स ऑल्सो ऑन गमीटोसाइट्स एंड टिश्यू फॉर्म्स, तो ये गमीटोसाइट्स को भी किल करता है, सप्रेस करता है और टिश्यू फॉर्म्स को भी। इट इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन बोथ, ये एडल्ट्स में भी हमारा रोकथाम करेगा मलेरिया का, बच्चों में, चिल्ड्रेन में भी, पर्टिकुलरली एरियाज वेयर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया हैज़ बीन रिपोर्टेड। इट इज़ यूजली टेकन इन कॉम्बिनेशन विद एटावोकोन, हमने पहले भी बताया है कि इसको हम कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादातर देते हैं, किसके, एटावोकोन, एक और एंटी मलेरियल ड्रग होता है, इसके साथ हम इसको ज़्यादातर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट अदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, द सक्सेस रेट एक्सिस 93% इसका सक्सेस रेट है। तो एटावोकोन और प्रोगोनिडोन सोल्ड अंडर ब्रांड नेम हम मेलारोन ब्रांड नेम के तहत इसको हम सोल्ड करते हैं अमंग अदर्स, इज अ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया इंक्लूडिंग क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट, जो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट मलेरिया होते हैं उनको भी प्रिवेंट करता है ये एटावोकोन और प्रोगोनिल कॉम्बिनेशन। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के केस में इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। इट वॉज अप्रूव फॉर मेडिकल यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में इसको मेडिकल यूज में सन 2000 में लाया गया, इन 2000। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू प्रिवेंट मलेरिया इन दोज विद पुअर, जिसकी पुअर किडनी फंक्शनिंग है उन पेशेंट्स को ये एटावोकोन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाता। इट वर्क्स बाय इंटरफेयरिंग विद द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्डिया, जो एटावोकोन है वो माइटोकॉन्डिया के फंक्शन को इंटरफेयर करता है मलेरिया, और जो प्रोगोनिल होता है ये तो हम आपको पहले बताएं, ये डाई हाइड्रोफ्लोरिड रिडक्टेज की फंक्शनिंग को ब्लॉक करता है, तो इसकी वर्किंग अलग है और इसकी वर्किंग अलग है। एटावोकोन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को रोकता है और ये प्रोग्यूएनिल डाइहाइड्रोफ्लोरेट रिडक्टेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। और इसके कुछ ब्रांड नेम्स हम देख लेते हैं, जैसे पैल्यूट्रीन हो गया, प्रोग्यूएनिड हाइड्रोक्लोराइड हो गया, SN12837 एटसेट्रा, तो इसके ये कुछ ब्रांड्स नेम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।